आज मैं आपको दही भल्ले बनाना सिखा रही हूँ। आपने माश की दाल के तो दही भल्ले खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर के दही भल्ले बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे पास योगर्ट है, तकरीबन 500 ग्राम ये योगर्ट है, 500 ग्राम। आप एक्स्ट्रा थिक वाली आपने लेनी है, क्योंकि उससे ये होता है कि थिक क्रीमी से बहुत ही टेस्ट जो है उसका अच्छा आता है। ठीक है, इस तरह ये थिक योगर्ट हमारे पास है। उसके बाद हम जो के इस दही योगर्ट के अंदर चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर ये चिक पीक है, हाफ टीन है। आपने इसको घर में बॉईल करना है, बॉईल करके वो डालें या फिर टीन वाला यूज़ कर लें, आपकी सहूलत के लिए टीन ही बेहतर रहेगा। उसके बाद ये एक नॉर्मल साइज़ का पोटैटो और नॉर्मल साइज का ऑनियन है। उसके बाद ये 3-4 चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं। अगर आपने ज़्यादा डालती हैं, स्पाइसी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाती हैं, तो आप और भी डाल सकती हैं। फिर उसके बाद ये एक नॉर्मल साइज़ के टोमेटोज हैं जो कि मैंने इस शक्ल में काटे हैं, देखें। फिर उसके बाद जो हमने भल्लों के अंदर डालनी है चीज़ें, वो है हमारे पास ज़ीरा, होल ज़ीरा है, और ये क्रश चिलीज़ है, हाफ टी स्पून क्रश चिलीज़ है, हाफ टी स्पून ले ले ज़ीरा ले ले, और ये अजवाइन है जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। फिर इसके बाद ये 1 टेबल स्पून शुगर है, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट है, और ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सीक्रेट है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। आपने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लेना है होल, और फिर उसके बाद आपने कोरिएंडर सीड्स लेने हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स ले लें, और 1 टेबल स्पून आप ज़ीरा लेके एक पैन में उसको ब्राउन कलर में रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद आपने उसको जलाना नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको ज़्यादा जलाएंगे या ज़्यादा रोस्ट करेंगे। तो नॉर्मल बस ब्राउन आप कर लीजिएगा। फिर आपने उसको ठंडा करके आपने ग्राइंडर में उसको का ये पाउडर सा बना लेना है। जितना आपको चाहिए आप निकाल के आप यूज़ करें, बाकी आपने बोतल में सेव कर लेना है, कि उसको ऊपर नहीं रखना, क्योंकि उसकी जो एक स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए हम मैं आपको बेसन के दही भल्ले बनाना सिखाती हूँ कि वो कैसे बनेंगे। बाउल बनाने के लिए जो मैंने आपको जो योगर्ट दिखाई थी 500 ग्राम योगर्ट में आपने 3 टेबल स्पून ग्राम फ्लावर के डालने हैं। इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून आपने अजवाइन डालनी है, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून आपने ये चिलीज जो कि मैंने आपको बताई थी, और ये ज़ीरा, ये सब आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। अब आपने लेना है पानी, और इतना पानी आपने आइडिया से डालना है कि ये ज़्यादा ना थिक हो और ना ज़्यादा लिक्विड हो। आप इसके अंदर एक्स्ट्रा भी आप डाल के इसको कवर कर सकती हैं।
मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इस ये इतना थिक होना चाहिए कि आपके स्पून से ना ज़्यादा नीचे गिरे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इतना थिक होना चाहिए बेसन। ठीक है, अब आपने इसको साइड पे रख देना है और जो फिर हम अपने दही भल्ले बनाने शुरू करेंगे। योगर्ट में मैंने जो जो चीज़ें मिक्स करनी है पहले वो करेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम अपने दही भल्लों का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर रेडी करेंगे। ये दही ज़्यादा ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे पानी डालकर, ज़्यादा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ये पतली हो जाए, फिर दही भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। जब हम इसके अंदर सारी चीज़ें डाल लेंगे तो फिर हम चेक कर लेंगे कि भाई इसको और पतला करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आप इसके अंदर चने और ग्रीन चिली, मैं इसके अंदर सारी ग्रीन चिली नहीं डालूंगी क्योंकि हम लोग वाइल्ड पोटैटो, सॉरी मैंने आपको फर्स्ट आपको नहीं बताया। अब आपने इसको फिर इसके अंदर हम डालेंगे शुगर, सॉल्ट और ये वो मसाला है जो कि पाउडर और जीरा और कोरिएंडर सीड्स जो है इसको हम इसके अंदर डालेंगे। हम 1 teaspoon आप डाल दीजिएगा इसके अंदर, बाकी हम रख देंगे जो कि ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। नहीं इस तरह सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि मसाला जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिल जाए। आप सॉल्ट वगैरह टेस्ट कर सकती हैं कि अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट डालें। शुगर ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि ज़्यादा आप डालेंगी तो फिर बहुत ज़्यादा स्वीट सा टेस्ट आएगा जो कि वो हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल टेस्ट चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है इसके लिए, ना इस पर पानी डालने की ज़रूरत। इसको साइड पे करते हैं और अपना दही भल्ले जो है वो फ्राई करने के लिए रेडी करते हैं। अब ये मैं आपको दही भल्ले फ्राई करना बताऊंगी कैसे फ्राई करते हैं। आप एक पैन में ऑयल ले लें, उसको हमने डीप फ्राई करना है, ठीक है, और साथ साथ चेक करना है कि ऑयल गर्म है। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर दही भल्ले में डालना शुरू कर देना है और जैसे जैसे डालने हैं मैं आपको बताती हूँ, आप देखती रहिए कि कैसे डालने हैं। पहले हम चेक करेंगे कि ये रेडी है कि नहीं। अब बिल्कुल रेडी है दही भल्लों के लिए। एक ही जगह पर आपने ये स्पून डालना है, इसको हटाना नहीं है। आप देखेंगे कि ये राउंड शेप में दही भल्ले रेडी हो रहे हैं और मैं आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में इसका जो पाउडर मैंने बनाया है, जीरा पाउडर और कोरिएंडर सीड्स का, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसे डालते हैं। फिर इसको आपने इमली की चटनी के साथ अपने मेहमानों के आगे सर्व करने हैं। इमली की चटनी के बगैर इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट ही लगता है,
वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इमली की चटनी कैसे रेडी होती है। देखिए अब ये लाइट ब्राउन से हो गए हैं, अब हमने इसको अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल के अब इसको बंद कर लें और एक बाउल में पानी डालें और उसके अंदर आप डाल दीजिए। बस आपने ज़्यादा देर इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर इसको छोड़ देंगी तो ये बहुत ज़्यादा सोगी से हो जाएंगे, ज़्यादा से नरम से हो जाएंगे। अभी ये मुझे पानी कम लग रहा है, आपने इसको बिल्कुल देर आपने उसको पानी में डाला है, आप देखेंगी कि ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आपने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसको हल्का सा यूं प्रेस करना है, इसका पानी निकालना है। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना कि ये टूट जाए, बहुत सॉफ्टली मैंने इसको ऐसे किया है। ये बस आप साइड पे रख दीजिए इसको, ये देखिए बस इतना कि ये टूटे नहीं। अगर ये टूट जाते हैं तो फिर दही बनों में हम ढाल दही में जब डालेंगे तो फिर ये सब कुछ टूट जाएंगे, वो फिर टेस्ट पता नहीं चलेगा कि हम दही भल्ले खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादा प्रेस करेंगी तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि पानी में डालने से ये ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इस पानी को एक साइड पे रख देना और फिर हमने ये दही में और इसके अंदर हमने ये शामिल करने हैं, सारे एकदम से नहीं करने, आप यूँ साइड पे डाल लें इसके। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, साइड पे डालते जाएं और फिर इसको आप यूं नीचे प्रेस करें। ठीक है, आप फिर डालें। ज्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं मारना, अगर आप ज्यादा चम्मच भी मारेंगी तो फिर टूट जाएंगे। बस आपने इसके अंदर डालने के बाद आप प्रेस करती जाए नीचे, प्रेस करने का मतलब ये है कि ये नीचे चले जाए। सबसे एंड में ये करना है, ये हमारे दही भल्ले रेडी हैं। अब ये जो मसाला जो मैं हमने अंदर सॉरी मिक्स किया था, अब आपने इसके ऊपर ये सारा स्प्रिंकल करना है। सारा डाला है, फिर हमारे पास मैंने पहले ऑलरेडी इमली की चटनी बना के रखी हुई है, मैं आपको इस तरह है, देखें ये वो आपने सेपरेट रख लेनी है एक बाउल में डाल के, तो थोड़ी